गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ योर एक्सरसाइज नंबर 1.1। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें मैंने आपको ये 3 करवाए थे, एक आपका डन था पहले ही। इसमें मैंने ये होमवर्क दिया था, लेट्स सी कि किस किसने सही किया है। हम इसका नंबर नेम था, यहाँ पे क्या लिखा था, 1000 की प्लेस पे कितना था, 8। तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, 8। ठीक है, किसकी प्लेस पे ये 1000 की, 1000। फिर ज़ीरो के ऊपर कुछ नहीं है, 100 के नीचे कुछ नहीं है, इसको हम क्या काउंट करेंगे, 9। तो ये क्या हो गया, 8009। आप 100 नहीं लिखेंगे क्योंकि ज़ीरो लिखा हुआ है यहाँ पे, जब तक ज़ीरो किसी नंबर के साथ नहीं लगता तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आगे आएंगे हम, ये है हमारा, इसमें मैंने आपको बताया कि जब तक ज़ीरो किसी के साथ नहीं लगता तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो 0 100 के साथ लगता है, 0 100 का क्या मतलब है। अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने 100 के 0 नोट दे दिया आपको, तो इसका मतलब क्या है, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया ना। फिर तो इसी तरीके से समझिए आप कि 0 100 की प्लेस पर कितना है, 0। इसका मतलब 100 की प्लेस पर कुछ भी नहीं है, तो वो हम स्किप कर देंगे। तो ये होगा 8009। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है, 1000 की प्लेस पे कितना है, 3। 100 की प्लेस पे 7। तो अब हम क्या राइट करेंगे, 3007 100। और ये 08 को क्या काउंट करेंगे, 8। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट है, अब इस पे भी हम ऐसे करेंगे। तो 1000 की प्लेस के नीचे क्या है, 5। तो हम सबसे पहले क्या राइट करेंगे, 5 5000। नेक्स्ट 100 के नीचे कितना है, 6। तो ये कितना हुआ, 6 100। देन इसको इकट्ठा काउंट करेंगे, कितना है ये, 10। तो ये हुआ 5610। ओके, नेक्स्ट है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड। सबसे पहले काम अपने यही लिख करना है कि इस पर प्लेस वैल्यू जरूर लिखनी है, अगर नहीं लिखेंगे तो आपका सम गलत होने के चांस बढ़ जाएंगे। 1000 की प्लेस के नीचे कितना है, 6। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 6000। आई होप कि आप लोगों को 100,000 की स्पेलिंग लर्न हो चुके होंगे। उसके बाद है 100 के नीचे 8, तो हम क्या लिखेंगे, 8 100। नेक्स्ट इसको क्या काउंट करेंगे, 20। तो क्या बनाइए, 6820। ओके, ये दो क्वेश्चन है, ये आप घर से करेंगे, ये आपका होमवर्क है, दो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे अब एक्सेस वाला नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये रिप्रेजेंटिंग 4 डिजिट ऑन अ बैकस। इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार हम फिर देख लेते हैं। रिप्रेजेंट 5624 ऑन द बैकस। अब इसका हम कैसे पता चलेगा कि हमें ये क्या लिखा हुआ है, तो अब इसके ऊपर प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। देखिए 5600, ये कितना है, 24। अब इस न्यूमरल को अगर हम इस पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे हम पहले हम वंस की प्लेस से शुरू करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा है वंस की प्लेस से शुरू करेंगे। वंस की प्लेस पे कितना है, 4। तो आप वंस की प्लेस पे जो ये बैकस दिया गया है, यहाँ पे कितनी बिट्स डालेंगे, 4। नेक्स्ट पे टेंस की प्लेस पे कितना है, 2। तो टेंस की प्लेस पे आप कितनी डालेंगे बिट्स, 2। फिर 100 की प्लेस पे 6, तो 100 की प्लेस पे हम डालेंगे 6 बिट्स। 1000 की प्लेस पे है 5, तो 1000 की प्लेस पे हम कितना डाल लेंगे, 5s। इस तरीके से यह देखिए, ये बन गया आपका 5624। ओके, ये 4 स्टेप इसने दिए गए हैं, यही मैंने आपको बता दिया। अब हम इसके बाद ये वाला शुरू करते हैं टॉपिक। ये देखिए, ये इन्होंने रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ये नंबर्स हैं जो इनके ऊपर सीधे रिप्रेजेंट किए गए हैं। यहाँ पे कोई भी स्टेप दिखाया नहीं गया है, मैं आपको इससे भी आसान तरीका यहाँ पे करके दिखाती हूँ। देखिए एक्सरसाइज नंबर 1.2, रीड द अबैकस। आपको अबैकस को रीड करना है एंड और राइट, राइट मीन्स लिखना है, न्यूमरल, न्यूमरल का मतलब होता है नंबर। ठीक है, आपको नंबर लिखना है किसके लिए, एंड सॉरी नंबर लिखना है एंड नंबर नेम, और उसका नंबर नेम भी लिखना है। अब देखिए, पहला तो इसने किया हुआ है, ठीक है,
तो अब हम पहले से ही देख लेते हैं ना, यहाँ पे इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब देखिए 1000 के नीचे कितना लिखा है, 3, तो 1000 के ऊपर कितने बीट्स हैं, 1 2 3, तो 3 लिख दिया। फिर 100 की प्लेस पे कितनी बीट्स हैं, 1 2, फिर 2 लिख दिया। 10s की प्लेस पे खाली है ना ये, इसका मतलब 0 है। और 1s की प्लेस पे कितना है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। अब जैसे मैंने आपको पीछे नंबर नेम बताया है बनाने के लिए, वैसे आप बना सकती हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे पहले हम ये जो खाली बॉक्स दिया गया इसके ऊपर प्लेस वैल्यू लिख लेंगे जैसे हमारे अबैकस में दी गई है, ठीक है। अब हम 1s की प्लेस से काउंट करना शुरू करेंगे। काउंट कीजिए कितनी बिट्स हैं, 1 2 3 4, 4 है ना, तो 1s की प्लेस के नीचे हम लिखेंगे 4। उसके बाद 10s की प्लेस पे कितनी है, 1 2 3 4, तो अब हम इसमें भी कितना लिखेंगे, 4। नेक्स्ट में 100 की प्लेस पे कितनी बिट्स हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे 100 की प्लेस पे कितना लिखेंगे, 3। 1000 की प्लेस पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम कितने डालेंगे, 5। कितनी बीट्स हैं ये, 5, ठीक है। तो ये नंबर बन गया। अब इसके बाद हम इसका बनाएंगे नंबर नेम। अब देखिए 5 किसके नीचे है, 1000 के नीचे, तो अब हम क्या राइट करेंगे, 5000, ठीक है। फिर 3 किसके नीचे है, ये 100 के नीचे, 100, ठीक है। उसके बाद ये टोटल कितना है, 40, कितना है, 44, ठीक है। तो इस तरीके से आप राइट करेंगे। नेक्स्ट कितने हैं, 2 है ना बच गए, ये आप घर से करेंगे, ठीक है। ये आपका है होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये बहुत इजी है, इसलिए मैंने आपको ये दोनों क्वेश्चन करके लिए देते हैं। आप करके देखेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस ये एक चीज़ देखनी है कि जिसमें कुछ भी कोई भी बिट्स नहीं है ना, उसको 0 लिखना है, बस ये चीज़ समझ लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और तब तक आपको जितना सिलेबस करवाया गया इसे आप बिल्कुल अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, अपनी नोटबुक कंप्लीट कीजिए, राइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। टिल देन, बाय।